ओम शांति। आज है 29 जनवरी 2023 की अव्यक्त मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। नंबर वन बनने के लिए गुणमूरत बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के मात पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। कौन सी विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं? ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड हैं, वही विजयमाला के विजय मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर वन बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो व समय प्रमाण दानी हो व चांस प्रमाण दानी हो। अखंड महादानी सदा तीन प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथा शक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुणदान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। नंबर एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। नंबर दो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूरत बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसी धारणा मूरत कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है, लेकिन यह अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है?
फॉलो ब्रह्मा बाप, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन अर्थात जो स्वयं को निमित प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर वन नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर वन आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह यह बने तो मैं बनूं, तो नंबर वन तो वह हो गया ना जो बनेगा, तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है, उनको व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं, तो महादानी बने हो। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूरत बन सबको गुणमूरत बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हरेक अपने को निमित अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुणमूरत आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित नंबर वन समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादी जानकी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है, जहां भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही, कंबाइंड ना अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करन करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना करन हार और करावन हार, तो आप सबकी स्थिति क्या है, कंबाइंड है ना, करन करावन हार, करन हार के साथ है ही, करावन हार अलग नहीं है, इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पाठ बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के, ऐसे लगता है ना मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है, ऐसे है ना, अच्छा पाठ बजाया ना, जहां भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते, यह ड्रामा की नोंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए,
सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? अच्छा है, अच्छा है। ड्रामा की भावे खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। नंबर एक, परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है। अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हो। दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना? अच्छा, नंबर दो, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो।
जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है, तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्वात्माएं अति कमजोर हैं, तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर हैं। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिसमें आवश्यक हो उसमें वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे हैं या आवाहन करते हो, थोड़ा देरी से आती है, जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती है, बदली होता है, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल होना तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा वरदान, सहन शक्ति का कुछ पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं, कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। श्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, हो सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, हो सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रों के महलों में होंगे, भले ही रों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार, हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ
मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। झुलाते हो पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा। प्यार और दुलार हो सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा। तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तेरा प्यार।